दोस्तों आजकल इतनी अश्लीलता फैल चुकी है भोजपुरी में कि कहीं भी आप जाते हो तो इतना अश्लील गाना बज रहा है कि इंसान सोचने पे मजबूर हो जाता है कि ये क्या हो गया है समाज में। जहाँ जाओ, मार्केट जाओ, वहाँ भोजपुरी गाने अश्लील बज रहे हैं। कहीं अगर रिक्शे में सफ़र कर रहे हो तो वहाँ भी अश्लील गाना बज रहा है। चाहे वहाँ पे कोई महिला ही क्यों ना बैठी हो, चाहे कोई यहाँ बुजुर्ग क्यों ना बैठा हो, बच्चे बैठे हों, तो भी हर जगह अश्लीलता फैली हुई है। और इसकी वजह है हमारे जो बड़े बड़े स्टार हैं ना इस समय बने बैठे हैं, वो लोग अश्लील गा के ही आज वहाँ तक पहुँचे हैं। जो समाज, जो आजकल के भोजपुरी ऑडियंस है, वो बोलती है कि अरे ये तो स्टार है, वो अश्लील गा के ही वहाँ पहुँची है। और इसलिए जो भी नए भोजपुरी सिंगर आते हैं, चिरकुट लोग, वो यही सोचते हैं कि फलाना स्टार भोजपुरी अश्लील गा के ही स्टार बना है, तो मैं क्यों नहीं। तो जो नया आता है वो भी अश्लील गाने लगता है। तो मेरा मानना है कभी भोजपुरी अश्लीलता ख़त्म नहीं होगी। अगर कोई ख़त्म भी करना चाहेगा तो ऐसे ही कोई नया सिंगर चिरकुट आएगा और अश्लील गा के स्टार बनने की कोशिश करेगा। और हमारे आजकल छोटे मोटे पत्रकार हैं, अगर 1-2 मिलियन पहुंचता है उसका व्यू, तो वहाँ उसका मुंह पे माइक लगा के पूछेंगे कि आप इतने बड़े स्टार हो गए, ये गाना कब लिखा आपने, कैसे आपके दिमाग में आया गाना आपने लिखा। और कुछ लोग तो ये भी बोलेंगे कि आप अश्लील गाना गा रहे हो, अश्लीलता भरा गाना क्यों गाते हो। उनके ये इंटरव्यू में कहीं ना कहीं उनको पॉपुलर करने की साजिश रहती है। इस तरह हम इंटरव्यू लेंगे और वो आगे बढ़ जाएंगे। तो कभी ख़त्म नहीं होगा, ये सिर्फ कुत्ते की तरह भोंकते रहते हैं कि हम अश्लीलता को ख़त्म कर देंगे मीडिया के जरिए। तो कभी नहीं ख़त्म होगा और लगे हैं सब, लेकिन देखो कोई ना कोई तो आ ही रहा है, अश्लील गा दे रहा है। कोई बंद हो रहा है तो कोई आके नया गा दे रहा है अश्लीलता। तो दोस्तों आज के ब्लॉग में बस यही, मिलते हैं फिर कोई दूसरे ब्लॉग में, तब तक ले ओके।